इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला T20 मैच, और ये मैच गाइस खेला जा रहा है विशाखापट्टनम में, तो काफ़ी ज़बरदस्त मैच देखने के लिए मिलेगा गाइस। वीडियो को जो है अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो उससे कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जो है यहाँ पर टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, यानी कि बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे भारतीय टीम। और 5 ओवर का मैच गाइस कोशिश करने वाला हूँ 100 के करीब रन बनाने के लिए, और देखते गए यहाँ पर प्लेइंग 11 आप देख सकते हो। रोहित शर्मा, शुभमन गिल शुरुआत करेंगे, दोनों सलामी बल्लेबाज, 3 नंबर पर विराट कोहली है। और यहाँ पर देखते गए ऑस्ट्रेलिया की ओर से गेंदबाजी करने के लिए एडम जाम्पा, और स्ट्राइक पे है रोहित शर्मा। पहली गेंद उठा के मारा है और ये सीधा फील्डर के हाथों में गेंद गई है। मिड ऑन की तरफ से गए जो है ना क्लियर करना चाहते थे, ऊपर से मारने की कोशिश था, छक्का लगाने की कोशिश था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में गई और एडम जाम्पा के द्वारा काफ़ी बेहतरीन गेंद। हालांकि बल्लेबाज कोशिश तो कर रहे थे गेंद को दूर भेजने के लिए बाउंड्री लाइन के उस पार, लेकिन यहां पर सीधा फील्डर के पास गई और यहां पर आसान से खेचता पकड़ लिया। कोई गलत काफ़ी नाखुश होंगे रोहित शर्मा अपने आप से। विराट कोहली अब आएंगे 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और विराट कोहली देखते हैं आज कुछ अलग ही प्रकार से बल्लेबाजी करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती पहली गेंद पर विकेट गिर चुका है, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा संभल के खेलना है और विकेट वगैरह बचा के। तो यहाँ पर शुभमन गिल जोरदार फील है यहाँ पर, क्या ये आउट है? अंपायर ने यहाँ पर नकार दिया है नॉट आउट का इशारा करते हुए अंपायर, और रिव्यू ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यू भी है, लेना चाहिए तो ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो यहाँ पर रिव्यू नहीं लिया गया है। और शुभमन गिल देखते हैं किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। विराट कोहली नॉन स्ट्राइक पे, तो सिंगल निकाल के विराट कोहली को भी स्ट्राइक दे सकते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। शॉट कड़क और ये गेंद गई है 4 रन के लिए शुरुआत बाउंड्री के साथ। तो गाइस इसी प्रकार से खेलना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर 5 ओवर का मैच है, तो यहाँ पर कम से कम 100 के करीब अगर पहुँचना चाहते तो बाउंड्री वगैरह निकालने की ज़रूरत है। अच्छा शॉट है गाइस, देख सकते हो कुछ अलग ही प्रकार से शॉट खेला, काफ़ी मज़ा आया गाइस। यहाँ पर रिवर्स स्वीप, तो बाउंड्री मिल गया गाइस। यहाँ पर नेक्स्ट बॉल गाइस, अगली गेंद यहाँ पर देखते गाइस इस बार सीधा फील्डर के पास गई, गैप पे खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथों में गई, तो डॉट बॉल गई यहाँ पर। अब देखते गए 2 गेंद अभी भी और है, और देखते गए यहाँ पर गिल किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करते। ऑस्ट्रेलिया के बाहर गेंद उठा के मारा, अरे भाई एक और विकेट भाई, यहाँ पर क्लियर ही नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कवर के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक और झटका एडम जाम्पा के द्वारा, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बढ़िया गेंद था और कहीं पर भी मार सकते थे, लेकिन टाइमिंग उतना खास नहीं हो पाया। और यहाँ पर मैक्सवेल ने काफ़ी बेहतरीन कैच पकड़ा और यहाँ पर गिल का पारी हुआ समाप्त, 4 बना के आउट हुए। अब नेक्स्ट जो बल्लेबाज है, बल्लेबाजी करने के लिए KL राहुल, देखते गए राहुल यहाँ पर जो है ना विराट कोहली के साथ एक साझेदारी बनाने की कोशिश करना चाहिए, देखते गए यहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं KL राहुल। चलिए एडम जाम्पा तैयार है आखिरी गेंद करने के लिए, और शॉट कड़ा के यहाँ पर मिल जाएंगे 6 रन, इसी प्रकार से खेलना पड़ेगा, शायद 6 है या 4। तो यहाँ पर गए जो है काफ़ी बेहतरीन शॉट पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर बाउंड्री बटोरने में कामयाब हुए, और अब यहाँ से गए जो है डेविड वॉर्नर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तो देखते गए जो एक और जोरदार शॉट लगाने की कोशिश, और ये गेंद भी शायद 4 रन नहीं मिल पाएगा क्योंकि फील्डर मौजूद है, तो 2 रन यहाँ पर बटोरने में कोई नहीं रोक सकता, आसानी से 2 रन बटोरे विराट कोहली ने। और अब देखते गए विराट कोहली 2 ओवर पर बल्लेबाजी करे, एक ही गेंद का सामना किया है। तो नेक्स्ट बॉल गए यहाँ पर इस बार शॉट जरूर खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई रन नहीं डॉट बॉल। अब देखते गए अभी तक जो 12 रन बटोरा है 2 विकेट के नुकसान पर, इस बार उठा के मारा है और यह गेंद गई है 6 रन के लिए। वाह वाह वाह, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फील्डर जरूर बाउंड्री लाइन पे था देख सकते हो, लेकिन उसके ऊपर से गेंद निकल गई और बहुत दूर गई गई यहाँ पर 6 रन के लिए। और ऐसे ही कुछ बल्लेबाजी करना चाहिए। तो देखते गए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस ओवर में काफ़ी बेहतरीन ओवर देखा जाए तो एक और बेहतरीन शॉट है डीप मिडविकेट की तरफ, इस बार चौका मिलेगा। इस ओवर में गए जो है ना 12 रन बटोर लिया है, और ऐसे ही जो है खेलना चाहिए बस। यहाँ पर देख सकते हो भाई काफ़ी बेहतरीन में खेला इस बार शॉट, और एक और बाउंड्री बटोरने में कामयाब हुए। अब विराट कोहली 12 रन पे पहुँच गए, और यहाँ पर नेक्स्ट बॉल गए यहाँ पर एक और जो होता है शॉट डीप मिडविकेट की तरफ से, एक और बाउंड्री, 2 बाउंड्री लगातार यहाँ पर,
उसी दिशाओं में जो है रन बटोरा है, डीप मिडल की तरफ कोई फील्डर नहीं है। और अब यहाँ से गए जो है आखिरी गेंद पर, देखते गए क्या एक और बाउंड्री निकाल पाएंगे। चलिए देखते गए और क्या, आखिरी गेंद और यहाँ पर गए जी हाँ, बहुत दूर गई है कवर के ऊपर से, 6 रन। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, दिल खुश हो गया शॉट को देख के, जिस तरह से शॉट खेला, काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर, और कमाल का शॉट यहाँ पर देखने के लिए मिला विराट कोहली की ओर से। और इस ओवर में गए जो है ना, काफ़ी धमाका किया विराट कोहली ने, आखिरी गेंद पर भी छक्का बटोरा। और ऐसे ही कुछ बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है, जोश से ज़रूर गेंदबाजी करेंगे यहाँ से। दो ओवर की समाप्ति पर 32-2 इंडिया। और अब यहाँ से देखते गए जो हेजलवुड के खिलाफ किस तरह से बल्लेबाजी करते, फुल डस्क बॉल कहीं पर भी मार सकते थे, मिस किया। और गेंद जो है ना सीधा मतलब स्टंप लाइन पे था, कहीं पर भी छक्का लगा सकते थे, लेकिन मौका ही नहीं मिला, बल्ले पे गेंद आई नहीं गई, कनेक्ट करने में नाकाम रहे। और नेक्स्ट बॉल गए जहाँ पर शॉट खेला है, क्विक सिंगल, यहाँ पर 1 रन निकाल के स्ट्राइक देना चाहिए विराट कोहली को, बेहतर होगा, तो वही किया यहाँ पर केएल राहुल ने, सिंगल निकाला। और विराट कोहली के पास अब स्ट्राइक, स्ट्राइक पे विराट कोहली, 22 पे बल्लेबाजी करे विराट कोहली। और देखते गए यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद, देखते विराट कोहली स्ट्राइक पे उठा के मारने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर सिंगल नहीं मिल पाएगा क्योंकि सीधा जो है डायरेक्ट हिट है और ये आउट है, उंगली ऊपर, बल्लेबाज को बाहर का रास्ता तय करना पड़ेगा क्योंकि रन आउट हुआ आप देख सकते हो सिंगल निकालने के चक्कर में। और ये देखो भाई, थोड़ा डाइव मारते तो शायद पहुंच भी जाते, तो एक और विकेट का यहाँ पर। और देखते हैं बस यहाँ पर ना, हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए आए अब, और देखते हैं यहाँ पर हार्दिक पांड्या को, मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक विराट कोहली को देना चाहिए क्योंकि विराट कोहली काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की, अभी तक 22 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। और देखते गए हार्दिक पांड्या किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, यहाँ पर रिवर्स स्विंग मारने की कोशिश, और यहाँ पर मिल जाएंगे सिंगल। अब यहाँ पर ना विराट कोहली के पास स्ट्राइक है और आखिरी 2 गेंद पर 2 बाउंड्री निकालने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि अभी तक 34 रन है, देख सकते हो सिर्फ 34 रन अभी तक बटोरा है 2-2 4 ओवर में, तो कम से कम भाई यहाँ पर बड़े शॉट के लिए जाना चाहिए। आखिरी गेंद डॉट बॉल यहाँ पर, लास्ट बॉल है यहाँ पर, आखिरी गेंद है। विराट कोहली तो भाई खेलना चाहते थे, छक्का लगाने की कोशिश तो कर रहे थे, अंतिम गेंद पर देखते गए आखिरी गेंद, और यहाँ पर मिल जाएंगे चौका, 4 रन के लिए गेंद निकल गई है। तो यहाँ पर गए जो है आखिरी गेंद पर काफ़ी बेहतरीन शॉट खेला और ओवर को ख़त्म किया बाउंड्री के साथ। पैट कमिंस आए कप्तान गेंदबाजी करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, और 2 ओवर और है, और आखिरी के 2 ओवर में ना तेज़ गति के साथ रन बटोरने की कोशिश करना चाहिए। हार्दिक पांड्या फिलहाल के लिए स्ट्राइक पर मौजूद है। और यहाँ पर भाई बेहतरीन गेंद जाने दिया गेंद को, विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं, डॉट बॉल, तो बाउंसर से जो है सरप्राइज किया है हार्दिक पांड्या को। देखते गए यहाँ पर 38-3, तो देखते गए यहाँ पर जो है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं हार्दिक पांड्या। पक्षों के बाहर पटकी हुई गेंद, बैकफुट से खेलते हुए शॉट, कवर के ऊपर से एक टप्पा गेंद निकल गई 4 रन के लिए। और ऐसे ही जो है बैटिंग करना चाहिए, काफ़ी अच्छा शॉट लगाया हार्दिक पांड्या ने। और देखते हैं अब यहाँ से अगर रिप्ले में देखेंगे तो भाई बेहतरीन शॉट, और कोई फील्डर नहीं था वहाँ पर जहाँ पर शॉट खेला गया। और अब देखते गए 3.2 ओवर के बाद 42-3, और यहाँ से इस ओवर के बाद बस 1 ओवर और है, तो देखते गए जहाँ पर नेक्स्ट बॉल गए जहाँ पर एक और बेहतरीन शॉट, लेकिन यहाँ पर बाउंड्री नहीं मिल पाएगा, 1 या 2 2 2 2 तेज़ भाई और तेज़, अरे यार आउट है शायद, जोरदार एप्पल तो किया है यहाँ पर, उंगली ऊपर कर दी अंपायर ने भाई, थर्ड अंपायर को भी नहीं दिया। और यहाँ पर देख सकते हो रिप्ले में डाइव अगर लगाते तो शायद पहुँच भी जाते, लेकिन थोड़ा सा ही पीछे रह गए देख सकते हो, हाँ यार लगभग पहुँच गए थे क्रीज के अंदर। और यहाँ पर एक और विकेट, हार्दिक पांड्या पिछली गेंद पर बाउंड्री निकाला था, इस बार भी 2 रन निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पीछे रह गए। और इसी के साथ गए थे एक और विकेट, देख सकते हो रिप्ले में आउट। और नेक्स्ट जो बल्लेबाज है रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करेंगे यहाँ से, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, और देखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी है, और विराट कोहली को स्ट्राइक देना चाहिए। देखते गए 3 गेंद ओवर है और रविंद्र जडेजा स्ट्राइक पे, बेहतरीन गेंद गाइस, काफ़ी बेहतरीन यॉर्कर लेंथ बॉल, और बल्लेबाज को बीट करते हुए। और 2 गेंद और बची है इस ओवर में, देखते गए जहाँ पर आखिरी की 2 गेंद पर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं रविंद्र जडेजा, उठा के मारने की कोशिश, और ये गेंद बहुत ऊंची गई है और
धोनी भी गाइस तय कर लिया है और 4 रन के लिए सामने की तरफ बॉलर के सर के ऊपर से खेला, बेहतरीन बाउंड्री यहाँ पर, और बाउंड्री की ज़रूरत था और काफ़ी बेहतरीन शॉट देखने के लिए मिला। रविंद्र जडेजा बाउंड्री के साथ शुरुआत किया है और आखिरी गेंद पर देखते गए जिस ओवर को किस तरह से ख़त्म करते, छक्के के साथ ख़त्म करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा देखते गए। तो नेक्स्ट बॉल गए यहाँ पर आखिरी गेंद, कोई रन नहीं, ऑस्ट्रेलियन की काफ़ी ज़्यादा बाहर की तरफ टप्पा था और बल्लेबाज आराम से खेलने की कोशिश कर रहे थे और डॉट बॉल आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं और रोमांचक T20 मुकाबला आखिरी ओवर में, मिचेल स्टार्क गेंदबाजी करेंगे आखिरी ओवर। तो देखते हैं इस आखिरी ओवर में किस तरह से जो है बल्लेबाजी करते, विराट कोहली स्ट्राइक पे, सेट बल्लेबाज क्रीज में मौजूद है। तो देखते हैं शॉट सामने की तरफ खेलने की कोशिश, बॉलर के सर के ऊपर से छक्का लगाने की कोशिश, लेकिन टाइमिंग बेहतर नहीं हो पाया तो इसकी वजह से जो है ना अपना विकेट गवाया। और रिप्ले में देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा। और इसी के साथ गाइस जो है ना पहला इनिंग्स ख़त्म हो गया है और तो यहाँ पर गाइस देखा जाए ना 48 रन का टारगेट है, ठीक है। तो देखते हैं गाइस यहाँ पर जो है किस तरह से यहाँ पर जो है मैच देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर अगर हाइलाइट्स वगैरह देखेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर उतना ज़्यादा रन नहीं बना पाए, टारगेट उतना मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त मैच देखने के लिए मिल सकता है। अगर इंडिया को जीतना है तो गेंदबाजी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो देखते गए यहाँ पर मिचेल मार्श और डेविड वॉर्नर दोनों बल्लेबाजी करने के लिए आ गए हुए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की ओर से, और गेंदबाजी का शुरुआत करेंगे जसप्रीत बुमराह। बुमराह देखते गए किस तरह से बॉलिंग करते हैं यहाँ पर। 48 रन का टारगेट है और 30 गेंदों पर चाहिए 48 रन, ठीक है। और देखते गए यहाँ पर इस ओवर की पहली गेंद जबरदस्त एयरपोर्ट लेंथ बॉल, जोरदार अपील, क्या ये आउट है? यस भाई, क्या बॉलिंग किया गया, सीधा मतलब एयरपोर्ट लेंथ बॉल और बल्लेबाज को सरप्राइज करते हुए यहाँ पर। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यू ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आउट है, फिर भी यहाँ पर रिव्यू ले लिया गया है और देखना दिलचस्प होने वाला है यहाँ पर अंपायर जो है चेक करते हुए यहाँ पर। देखते हैं, मुझे तो लग रहा है आउट है भाई, और आप सबको क्या लगता है यहाँ पर? यस, यहाँ से तो पता चल जाता है कि आउट है, बिल्कुल पैड पे लगी गेंद, पैरों पे, और स्टंप लाइन मतलब लाइन के अंदर ही जैसे दिख रहा है मुझे फ़िलहाल के लिए। तो हाँ बराबर भाई, आउट है। तो इसी बात पर भाई लाइक कर दो यहाँ पर। शुरुआत देख सकते हो भाई, बहुत ही शानदार विकेट के साथ शुरुआत किया है जसप्रीत बुमराह ने, और इससे बढ़िया शुरुआत क्या हो सकता है गाइस। तो शानदार शुरुआत गाइस यहाँ पर देखा जाए तो विकेट के साथ यहाँ पर शुरुआत कर लिया है, और अब यहाँ से देखना दिलचस्प होने वाला किस तरह से जो है बल्लेबाजी करते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज है। देखते हैं गाइस, देख सकते हो सीधा जो है स्टंप पे लगे इनपैक्ट इन लाइन विकेट हिटिंग, और यहाँ से गाइस जो है ना पहला विकेट ऑस्ट्रेलिया को जो है झटका लगता हुआ पहला झटका, और उंगली वापस ऊपर कर दिया है अंपायर ने, और मिच मार्श आउट मतलब खाता भी नहीं खोल पाए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ से जो किस तरह से मैच देखने के लिए मिलता है। चलिए पर तो यहाँ पर गए बल्लेबाजी यहाँ से करने के लिए आए क्लैन मैक्सवेल, और मैक्सवेल देखते गए यहाँ पर किस तरह से जो है बल्लेबाजी करते हैं, देखना दिलचस्प होने वाला है। तो देखते गए स्ट्राइक पे ग्लैन मैक्सवेल आराम से खेलते हुए, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। तो देखते हैं यहाँ पर डॉट बॉल के साथ यहाँ पर जो शुरुआत की है मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल का बल्ला अगर बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया को जो है ना मौका बनेगा इस मैच को जीतने के लिए। तो देखना दिलचस्प होने वाले यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के खिलाफ किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं ग्लैन मैक्सवेल। चलिए यहाँ पर शॉट, लेकिन नहीं यार, सीधा फील्डर के पास गेंद गई, कोई रन नहीं, डॉट बॉल भाई, डॉट बॉल। ठीक है, एक और डॉट गेंद है, लेकिन अगर जीतना है ना अच्छे से बल्लेबाजी करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। मैक्सवेल को भाई अंत तक खेलेंगे तो मैच को निकाल सकते। चलो यहाँ पर एक और डॉट गेंद है, कोई मतलब मौका ही नहीं दे रहे बल्लेबाज को, और अब यहाँ से देखते हैं कैसे यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, जल्दी से आप जो है लाइक कर दो इस वीडियो को, और देखते गए यहाँ पर इस बार अच्छा शॉट है, गैप पे खेला है बैट का फेस खोलते हुए, लेकिन बाउंड्री नहीं मिल पाएगा, बस प्लेसमेंट करने के लिए देखे, और दोनों फील्डर के बीच में इस गैप पे खेलते हुए 2 रन बटो हो रहा है। अब आखिरी गेंद पर देखते हैं क्या करते हैं, इस ओवर की आखिरी गेंद स्ट्राइक पे ग्लैन मैक्सवेल। चलिए देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पर ग्लैन मैक्सवेल, इस ओवर की आखिरी गेंद, और लास्ट बॉल पे खेला गया शॉट लॉन्ग ऑन की तरफ, मिल जाएंगे सिंगल, और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे ग्लैन मैक्सवेल, क्योंकि आखिरी गेंद पर ना सिंगल बटोर रहा था, इसके वजह से स्ट्राइक अपने पास रखेंगे।
तो देखते गए जी। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 45 रन अभी भी चाहिए। शुरुआत बहुत ही शानदार, मोहम्मद सिराज आए गेंदबाजी करने के लिए और बाउंसर से शुरुआत भाई, अटकी हुई गेंद और यहाँ पर शुरुआत बहुत ही बेहतर। और ऐसे ही जो है कुछ सरप्राइज वगैरह करना चाहिए। चलिए देखते हैं अब यहाँ से नेक्स्ट बॉल गई। एक और बाउंसर है, इस बार अच्छा शॉट है। यहाँ पर गई गेंद निकल गई है 6 रन के लिए। क्या शॉट खेला यार, दिल खुश हो गया इस शॉट को देख के, जिस तरह से शॉट खेला मज़ा आ गया। और अब यहाँ से गई जो है ना, मैक्सवेल खामोश रहने वाले में से नहीं है। और यहाँ पर देखते हैं एक और बेहतरीन शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला गया शॉट, 6 रन है। तो यहाँ पर गई 2 सिक्स लगातार यहाँ पर देखने के लिए मिला, क्या एक और छक्का लगा पाएंगे यहाँ पर क्लेयर मैक्सवेल, हैट्रिक सिक्स लगा सकते हैं क्या, देखते हैं गए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। जल्दी से आप जो है वीडियो को लाइक करो इसी बात पे, क्योंकि क्लेयर मैक्सवेल जो है क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और ऐसे ही जो है कुछ बल्लेबाजी करने की भी ज़रूरत है। तो देखते हैं अब यहाँ से एक और बेहतरीन शॉट, इस बार तो भाई काफ़ी ऊँची गई और बहुत दूर जाके गिरी डीप मिडिल के क्षेत्र में, 6 रन। एक और सिक्स। बढ़िया, क्या शानदार शॉट देखने के लिए मिला गया यहाँ पर, बेहतरीन बल्लेबाजी। और कुछ इसी प्रकार से बैटिंग करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं अब, 2 गेंद अभी भी बची, 27 चाहिए अब जीतने के लिए इस मैच को। चलो अब देखते हैं, इस बार गाइस आराम से खेलते हुए कोई रन नहीं, सीधा फील्डर के पास गेंद गई, कोई रन नहीं मिलेगा। और मोहम्मद सिराज का ये आखिरी गेंद है, और आखिरी गेंद पर देखते हैं क्या करते हैं, लास्ट बॉल है तो आखिरी गेंद सीधा फील्डर के पास खेल दिया है, कोई रन नहीं मिलेगा। अंतिम गेंद पर अच्छा वापसी देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे, और जिसी प्रकार से बैटिंग करने की भी ज़रूरत है यहाँ पर देख सकते हो गाइस। अब सिर्फ 27 रन की ज़रूरत है 18 गेंदों पर, और अब गेंदबाजी करेंगे यहाँ से कुलदीप यादव। और यहाँ पर स्ट्राइक पे डेविड वार्नर है स्ट्राइक पे, और डेविड वार्नर के देखते गए यहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं कुलदीप यादव के खिलाफ। चलो देखते हैं यहाँ पर, तो इस ओवर की शुरुआत तो भाई यहाँ पर काफ़ी बेहतर डॉट बॉल के साथ किया है। और नेक्स्ट बॉल गए जिस बार शॉट खेला है, सिंगल के लिए दौड़ पड़े हैं और सिंगल मिल भी जाएंगे, क्योंकि फील्डर जो है ना बाउंड्री लाइन पे है, तो यहाँ पर आसानी से 1 रन बटोरा। और अब देखते हैं यहाँ पर क्लेयर मैक्सवेल स्ट्राइक पे कुलदीप यादव के खिलाफ किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। स्पिनर को तो भाई काफ़ी बेहतर खेलते हैं क्लेयर मैक्सवेल, देखते हैं बस यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छा शॉट है लेकिन सीधा फील्डर के पास गेंद गई, कोई रन नहीं, डॉट बॉल, एक और डॉट गेंद है। और अब देखते हैं यहाँ पर क्या बाउंड्री वगैरह देखने के लिए मिलेगा, शॉट जी नहीं, यहाँ पर एक और डॉट गेंद है। अभी भी गए जीतने के लिए 26 रन चाहिए, 26 रन की ज़रूरत है अभी भी, देखते हैं यहाँ पर। ओ यहाँ पर जोरदार फील, क्या ये आउट है, अंपायर ने तो नकार दिया है नॉट आउट का इशारा करते हुए अंपायर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या ये आउट है, रिव्यू ले सकते हैं लेकिन रिव्यू नहीं लिया फ़िलहाल के लिए। और यहाँ से गए जो है ना देखना पड़ेगा यहाँ पर, इस बार भाई सामने की तरफ खेला लेकिन सीधा फील्डर के पास कोई रन नहीं। आखिरी गेंद पर भी अभी बेहतरीन ओवर इंडिया के लिए गए देख सकते हो, बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। अब गेंदबाजी अब करेंगे रविचंद्र अश्विन, और अश्विन देखते गए यहाँ पर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं आर अश्विन। तो इस ओवर की जो शुरुआत बाउंड्री के साथ जी यहाँ पर गैप पे खेला और चौका बटोरा, बेहतरीन शॉट गए। और कुछ इसी प्रकार से जो है खेलना पड़ेगा डेविड वार्नर के बैट से बाउंड्री, और अब देखते हैं बस यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो 22 रन अभी भी चाहिए 11 गेंदों पर आर अश्विन के खिलाफ, देखते गए जी शुरुआत तो भाई बहुत ही शानदार करते हुए, लेकिन इस बार डॉट बॉल अच्छा वापसी देखने के लिए मिला। और ऐसे ही जो है कुछ जो है बल्लेबाजी करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, अगर इस मैच को जीतना है तो देखते यहाँ पर नेक्स्ट बॉल गए जी यहाँ पर, इस बार कोई रन नहीं मिलेगा, डॉट गेंदे। चलिए देखते हैं बस यहाँ पर,
विकेट चाहिए यहाँ पर, 22 रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए। एक और डॉट बॉल, और यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी है भाई अश्विन ने। बाउंड्री शुरुआत मतलब पहली गेंद पर बाउंड्री दिया था, उसके बाद जो है ना वापसी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे। देखते हैं अपन नेक्स्ट बॉल गाइज। एक और डॉट गेंद भाई, अब आखिरी गेंद पर मुझे लग रहा है बड़े शॉट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि 22 रन चाहिए भाई यहाँ पर, तो सिंगल निकाल लेते तो बेहतर होता। तो देखते हैं यहाँ पर, ओ आखिरी गेंद पर करारा शॉट 6 रन के लिए, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 भाई, बहुत ऊंची गई और काफ़ी दूर जाके गिरी। शॉट बहुत ही बेहतर, और कुछ इसी प्रकार से बल्लेबाजी करना चाहिए। अब आखिरी ओवर जो है रविंद्र जडेजा बॉलिंग करेंगे, 6 गेंद पर 16 रन चाहिए। रोमांचक जो है T20 मुकाबला आखिरी ओवर में, और ग्लेन मैक्सवेल स्ट्राइक पे है, और रविंद्र जडेजा के खिलाफ किस तरह से खेलते हैं। चौके के साथ शुरुआत, यहाँ पर कुछ अलग ही तरह से शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के उस पर पहुँचाया 4 रन के लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, कमाल का शॉट। और अब मुझे लग रहा है यार वापसी करने को देखना चाहिए रविंद्र जडेजा। एक और शॉट बेहतर, लेकिन टाइमिंग नहीं हो पाया इस बार उतना, और गैप पे खेलते तो शायद मिल जाता बाउंड्री वगैरह, लेकिन सीधा फील्डर के पास गिन गई, इसीलिए जो है कोई रन नहीं मिलेगा। 4 गेंद पर 12 चाहिए अभी जीतने के लिए। इस बार जो है रिवर्स स्वीप शॉट जाने जाते इसी प्रकार से खेलने के लिए मैक्सवेल, और मिल जाएंगे चौका, बेहतरीन शॉट भाई। एक और बाउंड्री, और अब देखते हैं गाइस, अभी जीतने के लिए चाहिए 8 रन, 8 रन की ज़रूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 3 गेंदों पर सिर्फ 8 रन की ज़रूरत है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उठा के मारने की कोशिश, टाइमिंग बेहतर नहीं हो पाए। दो यार तीन तीन 2 रन तो होना चाहिए कम से कम, नहीं यार स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे मैक्सवेल, इन 2 रन तो यहाँ पर मिल नहीं पाएगा क्योंकि पीछे रह गए, रन आउट हुए डेविड वार्नर भागते हुए, लेकिन अगर डाइव वगैरह मारते तो शायद पहुँच भी जाते, लेकिन पीछे रह गए, देख सकते हो बहुत ही पीछे रह गए भाई, 11 पे आउट हुए। और अब यहाँ से मैक्सवेल को जीतने के लिए मैक्सवेल को एक छक्का या चौका लगाने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर ट्रेविस हेड आए हैं बल्लेबाजी करेंगे, वर्ल्ड कप में काफ़ी बेहतर बल्लेबाजी किया था। 2 गेंदों पर चाहिए 7 रन, यानी कि एक 6 चाहिए कम से कम, नहीं तो 2 चौका लगाएंगे तो भी हो जाएगा। शॉट बेहतर, लेकिन टाइमिंग खास नहीं हो पाया और आउट है यहाँ पर। अरे कैच ड्रॉप, दो 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 भागो, 2 या 3 रन के लिए दौड़ पड़े। अरे यार रन आउट हो गए फिर से, नहीं ये आउट है भाई उंगली ऊपर। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो एक और विकेट। अरे यार चलो कोई बात नहीं, ट्रेविस हेड बगैर खाता खोले आउट। नेक्स्ट बल्लेबाज देखते गए, यहाँ पर जीतने के लिए भाई छक्का लगाना पड़ेगा। स्टोइनिस आए बल्लेबाजी करेंगे, आखिरी गेंद पर 5 रन की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। एक 6 लगाएंगे तो जीत सकते हैं, नहीं तो चौका लगाएंगे तो सुपर ओवर देखने के लिए मिल सकता है। हवा में शॉट, टाइमिंग खास नहीं और ये आउट है। और इसी के साथ इंडिया ने इस मुकाबले को जीत लिया है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करा रविंद्र जडेजा ने और इस मुकाबले को जीता है गाइज। शायद ग्लेन मैक्सवेल अगर स्ट्राइक पे होते तो शायद बात बनता, क्योंकि सेट बल्लेबाज थे और काफ़ी बेहतर शॉट वगैरह भी देखने के लिए मिला था मैक्सवेल के बैट से, लेकिन स्टोइनिस ने मतलब आते ही जो है छक्का लगाना उतना आसान नहीं है, और देख सकते हो सीधा फील्डर के पास गए, उसी के साथ आउट तो हुए है। और इंडिया इस मुकाबले को जीत लिया, इसी बात पर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।